ऑर्डर करना है, लोग ये चर्चा कर रहे थे। ये नज़ारा शालीमार से चेन्नई सेंट्रल जा रही उस कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का था जो उड़ीसा के बालासोर में हादसे का शिकार हो गई। इसी ट्रेन में मौजूद था 19 साल का लड़का जिसने हादसे की आंखों देखी आप बीती बताई। हादसा कैसे हुआ, सवाल सुनते ही लड़के का गला सूख गया। एक पल के लिए आंखें बंद हो गईं, मानो उसे एक सवाल से पूरी दुर्घटना का रिप्ले सामने हो गया हो। हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, लेकिन 19 साल का निवास कुमार बच गया। वो अपने दादाजी के साथ हावड़ा से बिहार जा रहा था। हादसे के बारे में बात करते ही उसकी आंखों में एक अजीब सा डर उतर आया। उसने बताया कि कुछ देर पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा था, बच्चे खेल रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, कोई चैन से सो रहा था। अचानक से आंधी आई और फिर एक तेज थम आवाज सुनाई दी, कान सन हो गए, आंखें बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो खौफनाक मंजर नजर आया। चारों ओर लाशों का अंबार था, बच्चों की खिलखिलाहट की जगह लोगों की चीख चिल्लाहट की आवाज थी। कहीं किसी बुजुर्ग का चश्मा था तो कहीं बच्चों के कपड़े और खिलौने बिखरे हुए थे। एम्बुलेंस का सायरन, लोगों की चीखें कानों में गूंज रही थी। हादसा होते ही निवास के भी होश उड़ गए। ट्रेन से रेस्क्यू किए जाने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अचानक से इतना बड़ा लगा कि तूफान आया है, पूरा चक्का उका ऐसे ट्रेन, पूरा आदमी सब इधर में पूरा दबा गया था, इधर में भी दबाया था। हम लोग तो इधर में बैठे थे, मगर बस पकड़ के बैठे थे। तो जान तो बच गई आपकी? हाँ, हम लोग का जान। लेकिन आपकी, आप ही के बोगी के अभी भी हम देख सकते हैं कि छह लोग हैं जिनका मौत हो चुका है, लेकिन उनका बॉडी निकालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतना बुरी तरह। हमारे बोगी में बहुत आदमी का जान गया है, बहुत आदमी का, 6 से भी ज्यादा आदमी का जो जान गए हैं पहले। अच्छा, तो आप लोग तो मतलब भगवान को शुक्र मना रहे हैं कि आप लोग? भगवान से दुआ करते हैं कि सबको जान बच जाए और जितना को भी गए हैं। अब यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं? वो मेरा बैग फंसा है, थोड़ा बैग में डॉक्यूमेंट है इसलिए बैग निकाल। अच्छा। इसी तरह हादसे में बची वंदना ने भी आप बीती बताई। हादसे के वक्त वो कोरोमंडल एक्सप्रेस में मौजूद थी। वंदना हादसे के वक्त वॉशरूम में थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। वॉशरूम के बाहर आते ही बाहर का मंजर देखकर पूरी तरह हिल उठी। ट्रेन पूरी तरह झुकी हुई थी, ट्रेन का सारा सामान इधर उधर बिखरा था, लोग एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। क्या हुआ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों ओर शवों को देखकर वो सहम गई। इस हादसे में बाल बाल बची। हादसे के बाद उन्हें बाहर सुरक्षित निकाला गया। हम कोरामंडल से आ रहे थे,